बुधवार की रात और गुरुवार की सुबह कई लोगों के लिए काल बनकर आई। विभिन्न हादसों में दर्जन भर लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में बड़ा हादसा हो गया। पिपरी चिचवड़ के भोसारी इलाके में पानी की टंकी गिरने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए हैं। हादसे का शिकार हुए सभी मजदूर बिहार और झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के लेबर कैंप में ये घटना हुई है। सुबह 6 बजे के करीब सभी मजदूर पानी की टंकी के पास नहा रहे थे, तभी अचानक पानी के दबाव के कारण टंकी ढह गई। वहीं गुजरात से जोधपुर जा रही वाहन अनियंत्रित होकर पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा राजस्थान के सिहोरी में हुआ है। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के पुणे शहर में तेज रफ्तार टेम्पो ने एक के बाद एक 5 गाड़ियों को टक्कर मारी। जानकारी सामने आई कि ड्राइवर नशे में था। यह हादसा रविवार रात पुणे के पौर फाटा में हुआ। हादसा इतना दर्दनाक था कि वहां एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और उसके पति समेत 3 अन्य लोग घायल हैं। पुलिस ने टेम्पो ड्राइवर आशीष अनंत पवार को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं हादसे में मरने वाली पीड़िता की पहचान कोथरूड के विवेकानंद कॉलोनी निवासी 34 वर्षीय गीतांजलि श्रीकांत अमराले के तौर पर हुई है। उनके पति श्रीकांत संभाजी अमराले महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी कि मनसे के नेता हैं और 2 अन्य साहिल पाइट और माधुरी दाहोत्रे भी इस घटना में घायल हो गई हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन के सामने सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। अगर यूपी की बात की जाए तो यहाँ भी अलग अलग हादसों में कई लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। उन्नाव लालगंज हाईवे पर सिकंदरपुर कर्ण कस्बे में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 निर्माण मजदूरों की मौत हो गई और एक घायल हो गया है। सर्विस रोड के किनारे बन रहे नाले का किनारा फटकर गिरने से यह हादसा हुआ। वहीं मृतकों की पहचान अवधराम और शिव कुमार के रूप में हुई है। वहीं कानपुर के कल्याणपुर में एक तेज रफ्तार एसयूवी कार बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर मंदिर से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। घटना में एसयूवी सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें मौके पर पुलिस सर्वोदय नगर स्थित निजी अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने कार सवार सपा के प्रदेश सचिव युवा नेता अभिषेक सिंगर को मृत घोषित कर दिया। वहीं बुलंदशहर में आज सुबह हुए इस भीषण हादसे में कासगंज से धान बेचने जहांगीराबाद मंडी जा रहे किसानों की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा अलीगढ़ मुरादाबाद के नेशनल हाईवे 509 पर दानपुर गांव के पास हुआ है। जहांगीराबाद मंडी जा रहे किसानों की मैक्स गाड़ी का टायर रास्ते में पंचर हो गया था। अलीगढ़ मुरादाबाद नेशनल हाईवे किनारे गाड़ी खड़ी कर वो टायर बदलने लगे, तभी अलीगढ़ की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने 4 लोगों को कुचल दिया। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस 24x7। और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24x7।